कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक मत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। नौशहर में नाम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। नए साल में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक बुला ली है। पटना पहुंचने के बाद से तेजस्वी यादव लगातार सरकार गिराने की बात कर रहे थे और आज एक तरफ जेडीयू की बैठक चल रही है तो वहीं तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में माले के तमाम नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद हैं। आप पहले सुनिए मदन मोहन झा जो हैं इस बैठक को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। साल नया साल शुरू हो गया है, आपस में बैठ के हम लोग आगे क्या कार्यक्रम हो इसके लिए मिलेंगे, अंदर जाएंगे, बातचीत होगी तो आप लोग को बताएंगे जी क्या बात हुई। उनकी यात्रा भी शुरू होने वाली है, कांग्रेस रहेगी साथ? हम लोग सब महागठबंधन के अंग हैं, अलग अलग अगर प्रोग्राम होगा तो अलग अलग करेंगे, जहां साथ करने का बात होगा वो साथ करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जो हर एक प्रोग्राम में हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी हम लोग पूर्ण रूप से एक मत हैं और साथ हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ। अध्यक्ष जी, एक और आप अपने सभी घटक दल सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उधर जदयू की भी एक बैठक चल रही है। ठीक है, जदयू की बैठक कोई भी दल है तो उसका बैठक तो चलेगा ही, अपना उनका कार्यक्रम अलग है, मेरा कार्यक्रम अलग है, वो अपने दूसरे इशू पर होंगे, हम दूसरे इशू पर होंगे, लेकिन पार्टी है चलता है तो हर एक लोग अपना अपना कार्यक्रम के बारे में। पार्टी में टूट की खबरें आई थी कि 11 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। बिल्कुल बाहियात बात है और जिन्होंने कहा है, अगर आप मेरा सूची देखिए 19 विधायक का, उसमें स्पष्ट कहता हूँ एक विधायक जरूर दूसरे बैकग्राउंड के हैं, लेकिन 18 विधायक पूर्ण रूप से कांग्रेसी हैं। अगर किन्हीं को कांग्रेस से मतलब नहीं है वही आदमी ये बात बोल सकता है जो 19 में 11 हैं दूसरे। और जहां तक टूट का सवाल है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक मत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कहीं से कोई टूट का सवाल नहीं है। तो आपने सुना, साफ तौर पर मदन मोहन झा का कहना है कि नए साल में मुलाकात करने आए हैं तेजस्वी यादव से और आगे क्या होगा, नए साल में किस तरीके से रणनीति बनेगी महागठबंधन की, उन तमाम मुद्दों पर जो है वो आज चर्चा होगी। और साथ में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक टूट रहे थे ये बात सामने आई थी, उसको लेकर के भी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई भी विधायक जो है वो नहीं टूट रहे हैं, सब लोग इंटैक्ट हैं, आप देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे